नमस्कार दोस्तों, गाइड टू फिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हैं, या वो पर्सनल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशन उन्हें करनी चाहिए जिससे वो पर्सनल ट्रेनर की फील्ड में आ सके, एक जिम ट्रेनर बन सके। इस वीडियो में मैं आपसे टोटल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने इस सर्टिफिकेशन को कैसे कंप्लीट किया और अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से ही मैंने क्यों सर्टिफिकेशन कंप्लीट की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो मेडिकल बैकग्राउंड हो, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप अगर 12th पास हो तो आप ये सर्टिफिकेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सालों से एक्सरसाइज करते समय मुझे एक चीज़ फील हुई कि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लोगों को मैं सिखाऊं, लोगों को जिम में गलती करते हुए देखता था तो उन लोगों को हेल्प करने में मैं काफ़ी अच्छा फील करता था। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा फील्ड है और मुझे इसमें आगे काम करना चाहिए, तो मैंने इसमें कंटिन्यू करने का सोचा। एज सर्टिफिकेशन के एक ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। एज यानी अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज एक बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड में रेनोन्ड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए और ग्रुप फिटनेस ट्रेनर हुआ या फिर हेल्थ कोच हुआ या मेडिकल एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट हुआ, ये सारे सर्टिफिकेशन अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज कंडक्ट करवाती है और एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन इशू करती है जिससे कि आप अप्रूव्ड हो जाते हैं एक सोसाइटी में या जिम के अंदर में जाके कि आप उन्हें ट्रेन कर सकते हैं पब्लिकली सेफली। अब सर्टिफिकेशन ज़रूरी क्यों है? आपको नॉलेज होती है ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, आपको पता होता है, इसीलिए सर्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि NASM है, नेशनल अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। मैं उससे भी कर सकता था बट मुझे एज ही समझ में आया। मैंने बाकी जगह से रिव्यूज़ देखे तो मुझे एज समझ में आ रहा था तो मैंने एज के अंदर में एडमिशन लिया। ये बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस है, इसके अंदर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन प्रोग्राम परचेज करते हो, प्रोग्राम में एनरोल होने के बाद आप घर से ही सारे प्रैक्टिस करते हो, सारा आपका डिजिटल सब कुछ होता है। अगर आपको फिजिकल हैंडबुक चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है, अदरवाइज सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है। लाइव क्लासेस के लिए अलग से आपका एक प्रोग्राम में फीस पे करनी पड़ती है अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो, जो कि अमेरिकन टाइम पे होती है। जनरली वो आपके रात को ही होती है, 11:30 बजे या रात के 3:30 बजे ऐसे करीब होती है। तो अगर आपको लाइव सेशन चाहिए और आपको हार्डबुक चाहिए तो आप अलग से फीस पे करके ले सकते हैं, अदरवाइज आप सबसे बेसिक प्रोग्राम जो होता है आप उसे ले सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आपके ऊपर है टोटली। आप test.com से जाके भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं, वो अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं एग्जैक्टली सिमिलर बिल्कुल नहीं होते, बट हाँ उसका कॉन्टेक्स्ट आपको प्रॉपर उसमें मिलेगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होगी। उसमें अराउंड 500 और 700 क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसमें आराम से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर में हमें टाइम डेडिकेशन कितना चाहिए। टाइम डेडिकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी के लिए 6 महीने में इजीली वो एग्ज़ाम निकाल सकता है, अगर किसी वो मेडिकल बैकग्राउंड का बंदा है तो वो और जल्दी निकाल लेगा, अगर कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का बंदा है तो उसे थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से था तो मुझे तकरीबन 1 साल का समय मुझे लग गया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नोट्स आपके एग्जाम के समय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको सब कुछ जाके एक साथ पूरे बुक को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक ओवरव्यू के लिए बुक दिखा देता हूँ कि बुक कैसी है इसकी। ये इसकी फिजिकल बुक है, ये बुक आपको मिलती है टोटल अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से, इसके अंदर में सब कुछ वो है जो आपको जानने की ज़रूरत है पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन के लिए। एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होता है। एग्ज़ाम बिल्कुल ट्रिकी होता है, आपको सारे MCQ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लॉजिक के साथ आंसर देना ज़रूरी है, अपने दिमाग को यूज़ करके देना ज़रूरी है। और MCQ सिर्फ ऐसे ही नहीं होते कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस ये फलानी जगह कहाँ पे है या ये ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इतने सिंपल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होते। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं कि अगर एक बंदा लोअर बैक इंजरी से जूझ रहा है या लोअर बैक इंजरी उसे हो रखी है तो उसे कौन सी एक्सरसाइज कर देना रिकमेंड रहेगा,
उसमें आपको चार एक्सरसाइज दे दी जाती है, उसमें से तीन एक्सरसाइज ऐसी दी जाती है जो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं, और एक एक्सरसाइज ऐसी दी जाती है जो उसके लिए सही है। उस वीडियो को देख के आपको जज करना है। फिर एक वीडियो ऐसा दिया जाता है जिसमें एक बंदा स्क्वाट कर रहा है या एक लेडीज है जो स्क्वाट कर रही है, स्क्वाट करते वक्त उसका फॉर्म खराब है, उस स्क्वाट को ठीक करने के लिए उसे प्रोग्रेशन कैसे करना चाहिए। अगर कोई डंबल प्रेस कर रहा है तो डंबल प्रेस अगर उसका फॉर्म अगर खराब है तो उसे सही करने के लिए उसे रिग्रेस करने की ज़रूरत है, यानी उसे डंबल से नॉर्मल बॉडी वेट के अंदर में आने की ज़रूरत है पहले समझने के लिए, या फिर उसे कुछ और फॉर्म की एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत है। तो ये समझ के आपको MCQ का आंसर आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज के जो पर्सनल ट्रेनर के कोर्स होते हैं या भी कोई भी कोर्स होता है, उस सर्टिफिकेशन से पहले आपको CPR की सर्टिफिकेशन चाहिए। CPR आपको करना ज़रूरी है। CPR आपके नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में जाके आप पता कर सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल CPR का कोर्स करवाते हैं। सेम सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन भी आपके 2 साल के लिए वैलिड होती है। 2 साल के बाद आपको सर्टिफिकेशन को रिन्यू करना पड़ता है। रिन्यू करने का प्रोसेस इतना है कि आपको एक और कोर्स करना होगा, कोई भी कोर्स आपको एनरोल करा के आपको कंटिन्यू एजुकेट करना पड़ेगा। अपने आपको 2.0 क्रेडिट्स मिलेंगे, उन क्रेडिट्स को आपको रिन्यू करना ज़रूरी है। आप जैसे ही एक नए कोर्स में एनरोल होते हो, उसका एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो, तो आपको नए क्रेडिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, जैसे कि आप कंटिन्यू एजुकेट करते रहते हैं। इसे कहते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो वैलिड नहीं रहेगी। हर 2 साल में आपको ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन के अंदर में आपको सर्टिफिकेशन को रिन्यू करना पड़ेगा, कोई कोर्स करके या फिर आपको पावर पास के थ्रू आपको रिन्यू करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसे देके। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको नहीं पता है कि कौन सी एक्सरसाइज को करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज के फॉर्म कैसे होते हैं, उस समय आपको फिजिकल गाइडेंस की ज़रूरत है। पहले अपने आप को एडुकेट करें, एक्सरसाइज के फॉर्म्स को समझें, आप खुद ट्रेनिंग लें पहले वहाँ जिम में जाके, उसके बाद में आप साथ ही साथ ये सर्टिफिकेशन आप साथ में कर सकते हैं। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज के सर्टिफिकेशन का। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा वहाँ पे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के कई वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ और कई सारे वर्कआउट के वीडियोज़ भी मैं लेके आ रहा हूँ जो बिगिनर्स के लिए स्पेशली हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।